अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लेके आया हूँ सैमसंग का गैलेक्सी J8। ये आज ही पाकिस्तान में और इंडिया में लॉन्च किया गया है एक साथ। इसकी जो प्राइस रखी गई है इंडिया और पाकिस्तान में 35,000 रुपीज़ रखी गई है, और इंडिया में जो इसकी प्राइस है वो है 20,000 रुपीज़। इस मोबाइल में ऐसा क्या है जो कि पहले J-series में नहीं है? सिर्फ जस्ट रियर कैमरा दे दिया गया है और बाकी फीचर तो तकरीबन सेम लगते हैं मुझे इसके। A6+ से ये बेटर नहीं है और ना ही A6 है, क्योंकि इसकी 64 GB इंटरनल मेमोरी और 4 GB रैम है। इसके अलावा अभी हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इसके फीचर पर डिस्कशन करेंगे कि ये फ़ोन कैसा है, इस प्राइस में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं दी शॉपिंग। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करो दी शॉपिंग को, दबाओ ये बेल आइकॉन ताकि आप देख सको लेटेस्ट मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। ये सैमसंग गैलेक्सी J8 है, 2G 3G 4G LTE सपोर्टेड है। ये ड्यूल सिम आपको इसमें मिलती है, नैनो ड्यूल सिम सपोर्टेड है और डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है 256 GB तक। सुपर एमोलेड कैपेसिटी टच स्क्रीन है, 6 इंच का डिस्प्ले है इसका। 293 ppi पिक्सल डेंसिटी आपको मिलती है, 720x1480 पिक्सल का इसका रेजोल्यूशन है। एंड्रॉयड 8.0 ओरियो इसमें इंस्टॉल किया गया है। ऑक्टा कोर 1.6 GHz का प्रोसेसर है, 450 स्नैपड्रैगन की चिप लगाई गई है, एंड्रीनो 506 GPU है इसका। इंटरनल मेमोरी 64 GB है और 4 GB इसकी रैम है। ड्यूल रियर कैमरा आपको इसमें मिलता है, 16 MP का और दूसरा 5 MP का विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट कैमरा 16 MP का है विद LED फ्लैश लाइट। जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, पेनोरामा, HDR, बुके ब्लर मोड है इसके अंदर, पोर्ट्रेट मोड भी जिसको बोलते हैं। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, एक्सेलोमीटर, प्रॉक्सिमिटी। 3500 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी इसके अंदर है। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 250 यूरो है।